साउथ जोन भवानगर पुलिस स्टेशन में ये महीने 14 तारीख को एक मैन मिसिंग कंप्लेंट आया था। उसमें सलमान शर्फी बोल के इन्हें सलाला में रहता, उनका बहन अपने एरिया में अमरनगर में रहते। वो दिन 10 तारीख को उन्हें बहन के घर के आके यहाँ से मैं काम को जाता हूँ बोल के यहाँ घर से निकल गए। जो उनका भाई परवेज अपने पुलिस के आके कंप्लेंट करे, इसके हिसाब से मैन मिसिंग केस रजिस्टर करे। उसमें हम लोग इंक्वायरी करने तो वो मालूम हुआ कि ये सलमान मर गए। सो सलमान और उनका बड़ा भाई का बीवी रजा सुल्ताना, उन दोनों एक ही लोकेशन में आया था वो दिन। इसीलिए उनको बुला के इंक्वायरी करने तो मालूम हुआ कि उन्हें वो मर गए। सो बच्चा उनको औरत को सेक्सुअली हरासमेंट करे गए थे। वो ये सेक्सुअली हरासमेंट करने तो उन्हें बर्दाश्त नहीं करे। उन्हें उनका रिश्तेदार इलाही बोल के कर्नाटका बसवा कल्याण में रहते, उन्हें उनको बोल दिया अगर उन्हें सता रहे ना उनको देख लेंगे बोल के उन्हें वादा करे। दोनों प्लान करके ये महीने में 10 तारीख को वो सलमान को वहाँ बसवा कल्याण को बुला दिए। बुलाने के बाद वो लोग प्लान से वो बच्चा को सलमान को उसका गाड़ी में बिठा के और इसको इसमें और तीन लोग इलाही का दोस्त था गौस अंसार और जहांगीर, वो तीनों भी थे। वो लोग मिलके कार में जाके टाइम पे वो रस्सी से पूरा ट्रायंगुलेशन करके मार डाले। बाद में उनको एक पत्थर बॉडी को पत्थर जमा करके वहाँ पर एक करकट्टू बोल के एक रिजर्वर है, वो बाड़ी मिल जाने तो केस होता बोल के डर के वो उसमें फेंक दिए। बाद में अपन वो इलाही पकड़ने के बाद उन्हें इंक्वायरी में मालूम हुआ कि उनको माटा बोल के मालूम हुआ। जब अपन वहाँ कर्नाटक में वो रिजर्वर के पास जाके कल रात में वो डेड बॉडी को बाहर निकाल दिए। बाद में वो पोस्टमार्टम गए, पोस्टमार्टम होने के बाद वो बॉडी उसको घर वालों को दे दिए। बाद में ये केस में इन्वॉल्व हुआ सो वो इलाही को और उनका बड़ा भाई का औरत को आज रिमांड कर दिए, जेल को भिजा दिए। और ये एक तीन लोग हैं वो लोग भी कोशिश अरेस्ट करने की कोशिश करें हो जाता वो भी। आपके टोटल कितने लोग हैं अरेस्टिंग में सर? इसमें 5 लोग इन्वॉल्व है, अभी तक 2 लोग अरेस्ट हो गए और 3 लोगों को चल रहे हो जाता वो भी। सर आपके साथ कौन कौन काम करे? हमारा एसआई साहब नरेंद्र साहब करे और 2-3 कांस्टेबल वो लोग भी कोशिश करें।